Dos. Bara dos. Kepi tapi mati. जान पूछ के मारा था, उन्हें डंडे से मारा था, सिर पे और वो मारते हैं। नन्हे मिनाहिल पर जुल्म की कहानी, लाहौर न्यूज की जुबानी। समनाबाद में सुतेली मां का 10 साल बच्ची पर तशद्दुद, सहमी हुई मिनाहिल ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई। मामा डंडों और जूतों से मारती थी, घर जाने से डर लगता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद मिनाहिल जहनी तनाव का शिकार, मेडिकल रिपोर्ट ने भी तशद्दुद की तस्दीक कर दी। मिनाहिल की कमर और सर पर चोटों के निशानात, जिस्म पर जलाने के निशानात हैं। मेडिकल रिपोर्ट। मासूम बच्ची पर तशद्दुद करने वाली मां की डिठाई बरकरार, पढ़ाई ना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, घर से बाहर जाने से रोकने के लिए सख्ती करती थी। हमसायों ने बिला वजह मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मुलजिमा आयशा का इब्तदाई बयान, मुकदमे में गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद की दफात शामिल। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद, तशद्दुद का शिकार मिनाहिल की अयादत, दीगर बच्चों से भी मिले। शहबाज गिल ने बच्चों के साथ खाना खाया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। मिनाहिल को चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट पेश किया गया। अदालती फैसले पर कस्टडी चाइल्ड प्रोटेक्शन को दी जाएगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की गुफ्तगू। लाहौर न्यूज बना तशद्दुद का शिकार, एक और मासूम की आवाज। 10 साल बच्चे पर बहिमाना तशद्दुद का मामला, शेरशाह चौकी पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर, दो दुकानदारों समेत 6 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। 8 साल अहमद को मोबाइल चोरी के इल्जाम में हिरासत में रखा, पुलिस अहलकार हीटर पर बिठा कर इस्तरियां लगाते रहे। तर्जुमान वजीर आला की जना अस्पताल में मुतासर बच्चे की अयादत, बोले हमारी हुकूमत में पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, अहमद के खानदान को इंसाफ मिलेगा, जुल्म करने वाले बच नहीं पाएंगे। लेन देन का तनाजा कीमती जान ले गया। मिस्री शाह में फायरिंग, एक भाई जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी। वर्षा का लाश चौक पे रख के एहतजाज, शदीद नारेबाजी, मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। साहिवाल ऑपरेशन किसकी इजाजत से हुआ, कौन कौन ऑफिसर राब्ते में था, जेआईटी को पता चल गया। साहिवाल ऑपरेशन में शामिल गिरफ्तार अहलकारों ने जुबान खोल दी। अहलकारों ने साथियों और अफसरान के राज फाश कर दिए। CIA मॉडल टाउन में अहलकारों के बयानात कलमबंद। GIT ने थर्ड डिग्री तरीका तफ्तीश भी इस्तेमाल किया। GIT ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 रोज मांग लिए। सानिहा साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मामला, महकमा दाखिला ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर और साहिवाल के लिए फौरी मुतबादिल जजेस के नाम मांग लिए। महकमा दाखिला का रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को खत, जजों की नामजदगी से केस में कोई रुकावट नहीं होगी। महकमा दाखिला पंजाब, सानिहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी हो रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का जायजा GIT ने लेना था। वजीर कानून पंजाब। जरूरत भी कोई नहीं है इंडिया के टमाटर की, इंडिया टमाटर अपने पास रखे, अगर उसके टमाटर आने से हमारी जो है यहाँ पे जरूरत पूरी होनी है तो हमें कोई जरूरत नहीं। ये बोली हो रही है, ये सारा पाकिस्तानी टमाटर है, अगर इंडिया अपना टमाटर बंद करना चाहता है तो उसकी बहुत मेहरबानी है, वो हमारे ऊपर समझे ये एक एहसान करेगा, उससे हमारे किसानों को, हमारे जिम्मेदारों को फायदा होगा। जी पंजाब वाला टमाटर चाहिए, इंडिया वाला नहीं चाहिए, मुखद भी देगा फिर भी नहीं बेचेंगे, बेचेंगे 500 PT 1000 का हो या 1500 का, एक कबूल है वो नहीं कबूल। भारत का 2 नंबर टमाटर नहीं चाहिए, शहरी यकजुबा। अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी भी मैदान में आ गए। भारत हमें वो टमाटर फरोख्त कर रहा था जो कोई नहीं लेता, भारतीय टमाटर आया तो आड़ती फरोख्त नहीं होने देंगे। इंडियन टमाटर के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान, अपना टमाटर खरीदेंगे, पाकिस्तानी किसानों को फायदा देंगे। बौखलाई, भारतीय हुकूमत ने अपनी ही इंडस्ट्री के खिलाफ महाज खोल लिया, पाकिस्तानी सामान पर ड्यूटी बढ़ा दी। भारतीय ताजर सामान लेने से कतराने लगे, वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी सामान की तरसील मुतासर, सीमेंट, पत्थर, नमक, दीगर एशिया के ट्रक रुक गए।
मोदी ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पूरा पाकिस्तान एक फोरम पर खड़ा है। साबिक वजीर दाखला रहमान मलिक की कैवलरी ग्राउंड से मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल, गुर्दों की पथरी मामूली, कोई बड़ा मसला नहीं। मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी तजवीज की है। हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया। अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। नवाज शरीफ ने इजाजत ना दी तो एंजियोग्राफी नहीं करेंगे। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक एंजियोग्राफी की जरूरत है। MS जिना अस्पताल। भाई की इयादत के लिए शहबाज शरीफ की जिना अस्पताल आमद। जज्बाती कारकुन ने हाथ पकड़ा तो शहबाज गुस्सा कर गए। सिक्योरिटी गार्ड ने कारकुन को पीछे हटा दिया। लीगी कारकुनों की कायद के हक में नारेबाजी। खातून डॉक्टर की एयरगन लेकर अस्पताल दाखिल होने की कोशिश, सिक्योरिटी अमले ने रोक लिया। पूछगिछ एयरलाइन अस्पताल में जारी एक प्रोजेक्ट की नुमाइश के लिए लाई खातून डॉक्टर की वजाहत। सरकारी तौर पर नवाज शरीफ की रिपोर्ट नहीं दी गई। टीवी पर डॉक्टरों को सुना के एंजियोग्राफी कर सकते हैं, हमें समझ आ रही है, सब कुछ देख रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वालिद की अयादत के लिए जिना अस्पताल आमद। कारकुनों की नारेबाजी, मुठभेड़। जज्बाती कारकुनों ने एडमिन ब्लॉक का दरवाजा तोड़ दिया। सूबाई वुज़रा नवाज शरीफ की सेहत बारे बोल उठे। बिशारत राजा कहते हैं नवाज शरीफ का इनकी मर्जी के मुताबिक इलाज करवा रहे हैं। बेहतरीन इलाज हो रहा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत। फयाजुल हसन चौहान बोले नवाज शरीफ की सेहत नहीं नीयत खराब है। अस्पताल में दिल लगता है और नदाओ। नवाज शरीफ ने 4 मेडिकल बोर्ड्स के फैसले को नहीं माना। अब्दुल अलीम खान और ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। पंजाब असेंबली का अहम इजलास आज होगा। दोनों रहनुमा इजलास में शिरकत कर सकेंगे। निजी सोसाइटी को करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी देने का मामला। महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने DGLDA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। LDA अफसरान शकील मिनहास, मुजम्मिल मुश्ताक, मोहम्मद नफीस भी नामजद। आमना इमरान खान समेत 4 अफसरान शामिल तफ्तीश। 21 फरवरी को तलब। एंटी करप्शन हुकाम कहते हैं LDA अफसरान ने बगैर इजाजत NOC जारी किया। आमना इमरान के 2 केसेस में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। केस में DG के किरदार का तयन होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की याद। जियाले की समिट मीनार के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन को सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान न बुलाने पर तनकीद। हसन मुर्तजा बोले भुट्टो ने आलम इस्लाम को इकट्ठा किया, मौजूदा हुक्मरानों ने कौम को तकसीम कर दिया। कभी हुक्मरान कयादत करते थे, अब ड्राइविंग पर आ गए। दानिश स्कूल अथॉरिटी के अखराजात कम करने का प्लान। वजीर आला पंजाब ने अपने इख्तियारात वाइस चेयरमैन को सौंप दिए। ऐसा निजाम बनाया जाए कि अथॉरिटी अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करे। उस्मान बुज़दार की अथॉरिटी हुक्काम को हिदायत। बादामी बाग कजाफी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज का नाकिस सिस्टम, तापफुन फैलने लगा। गंदा पानी गलियों में दाखिल, मकीनों का जीना दोबर हो गया। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आर्टिकल 14 सबको बराबर के हुकूक देता है। वर्किंग खवातीन के बारे में सोच बदलने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का PC होटल में खवातीन को हरासा करने के खिलाफ मुहिम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। बफलो कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। बोले लाइव स्टॉक में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ला रहे हैं। बफलो फार्मिंग मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। खेलों के फरोग के लिए ऐसा इकदाम। स्कूलों में खेलों के लिए 2 पीरियड्स मुख्तस करने का फैसला। 31 मार्च तक स्कूलों को ग्राउंड्स की तफसीलात मुकम्मल करने का टास्क। खेलों के सामान और मुकाबलों के लिए नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल किया जाएगा। हॉकी, टेनिस, हैंडबॉल और दीगर मुकाबले होंगे।
पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम इलामा इकबाल एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना हो गई। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज में शिरकत करेगी। सीरीज में 3 एक रोजा और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का इफ्तिताही मैच 21 फरवरी को खेला जाएगा। मिनहाज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ताहरुल कादरी की सालगिरह की तकरीब। मुकर्ररीन ने डॉक्टर ताहरुल कादरी की इल्मी और दीनी खिदमात को सराहा। तुलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मौसम बहार को मनाने के लिए सजा रंगारंग दरीचा फेस्टिवल। सकाफती लिबास पहनने तुलबा की शिरकत। कवाली और शायरी पर तुलबा की शानदार परफॉर्मेंस। और अल्हम्ब्रा में म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस। तुलबा ने आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। खूबसूरत आवाज ने शुरका पर भी सहर तारी कर दिया।